हेलो दोस्तों, दिस इज अज़ाज़ इंजीनियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई टिकी ऐप्स पर आप अपने फॉलोअर्स किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आप अपने वीडियोस वायरल किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 5 ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, और जेन्यून ही बताऊंगा आपको, मैं फेक तरीका बिल्कुल भी नहीं बताता। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे टिकी पर भी फॉलो करते हैं, मतलब मैं टिकी पर वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे लोगों को पसंद आता है, इसलिए मैं कुछ वीडियोस तो ट्रेंडो टिकलिक ऐप्स पर भी बनाता हूँ, टनाटन ऐप्स पर भी, पर टिकी ऐप्स पर भी बनाता हूँ, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे लोगों के फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। किस तरीके से बढ़ेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको जेन्यून तरीका बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। अगर हमारे चैनल पर न्यूज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो काफ़ी ऑसम होने वाला, भाई के लिए एक लाइक जरूर कर देना। लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है, ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। अब क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको यस मोबाइल उस पर लेकर चलता हूँ और इसे कर देता हूँ यहाँ से स्टार्ट। ये देखिए स्टार्ट हो गया है आपके सामने। तो सबसे पहले मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ, यस। और प्ले स्टोर में जाकर, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपको यहाँ पर जाना है और टिकी ऐप्स चेक करना है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, टिकी ऐप्स को चेक करता हूँ, यहाँ पर देखिए कोई भी अपडेट्स इसका नहीं आया, पर बहुत ज़्यादा जो बग्स थे फिक्स कर दिए और परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दी गई है। आप जानते हैं, आपको भी पता होगा, जो एमएस टकाटक है वो सिंगापुर का है, उसका हेडक्वार्टर, टिकी ऐप्स का भी सिंगापुर का है। तो दोनों के जो एल्गोरिदम्स है काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाना चाहते हैं। पर टिकी ऐप्स और एमएस टकाटक में बहुत अंतर है। एमएस टकाटक 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया, टिकी ऐप्स अभी 1 करोड़ पर ही है। और टिकी ऐप्स पर पैसा बहुत ज़्यादा दे रहे, पर ज़्यादा फीचर्स मुझे एमएस टकाटक के पसंद आते हैं। आपको दोनों में से कौन सा ऐप्स ज़्यादा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एमएस टकाटक या टिकी ऐप्स। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से ओपन कर देता हूँ। देखिए अब मैं इसमें जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसमें ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास आईफोन नहीं है, DSLR नहीं है, वन प्लस फ़ोन नहीं है, सिंपल सा आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है इस तरीके से, तभी भी देखिए यहाँ पर आपको मैं पूरे वीडियोज़ दिखाई दे रहे हैं जिसके साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वीडियोज़ बनाए आईफोन से, पर इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके वीडियोज़ आईफोन से नहीं बनते हैं, वो कुछ ऐसी ट्रिक्स करते हैं जिसके कारण एंड्रॉयड से बनाने के बाद भी उन्हें ग्रे टिक मिलता है, ब्लू टिक भी मिलता है। ये देखिए ये वीडियोज़ दिखाई दे रहे हैं DSLR से, ये भी आईफोन से बनाए, पर इसमें मैं आपको इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब वेरीफाइड अकाउंट वाले हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्यूचर स्टार के लिए आपको नॉमिनेट हो ऐसा कुछ करना है, मतलब वाइट टिक के लिए अप्लाई करना है। 20 क्वेश्चन के आंसर दीजिए, यहाँ पर ये पूरे वीडियोज़ दिखाई दे रहे हैं। 20 क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपके इसमें 3 वीडियोज़ कम से कम अच्छे वाले होना चाहिए, 3 वीडियोज़ ही रखे, 4 भी रख सकते हैं, रिव्यू पास होगा, वाइट टिक मिल जाएगा। पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ग्रे टिक के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी वीडियोस उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, तो आपका वाइट टिक भी छीन जाएगा और वीडियोस पे व्यूज रुक जाएंगे, क्योंकि वाइट टिक में थोड़े व्यूज़ आते हैं, ग्रे टिक में थोड़े ज़्यादा और ब्लू टिक में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अब आपको समझ में आ गया, तो ये देखिए ये फॉर यू है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वाइट टिक लीजिए, उसके बाद ग्रे टिक, उसके बाद ब्लू टिक। और आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपको रिंग लाइट इस्तेमाल करना है। देखिए क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब क्वालिटी हाई क्वालिटी होना चाहिए। अब आप आईफोन एफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं है तो क्या कर लेंगे भाई, इसका भी कैमरा क्वालिटी अच्छी रहती है, पर आपको एंगल नहीं पता रहता। अब देखिए मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा था, पहले नहीं करता था, अब मैं रिंग लाइट का इस्तेमाल करने लग गया तो फेस पे एकदम से ब्राइटनेस आती है, जिसके कारण लोगों को देखने वालों को और अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, बहुत हुआ तो एक रिंग लाइट ले लीजिए। दूसरा इसमें है जो ट्रेंडिंग हैशटैग आते हैं, जिसके मैं यहाँ पर जाता हूँ। ट्रेंडिंग हैशटैग पता कैसे करेंगे, यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च पे जाना है, ये देखिए ट्रेंडिंग हैशटैग फोटो हैक, ये है ट्रेंडिंग हैशटैग। IF I want to, ओके, ये है ट्रेंडिंग हैशटैग। जो आपके बैनर पे इवेंट्स आते हैं वो, इसकी बात नहीं कर रहा, ये तो आकर चले गए। फोटो हैक, ये देखिए गांधी जयंती जो आने वाली है, ठीक है, तो वो इस्तेमाल कीजिए, तब जाके आपको पता चलेंगे। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंडिंग हैशटैग का बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंडिंग का करेंगे तो उनके नज़र में रहेगा कि भाई ये देखिए इसे नहीं मिला है, मान के चले इसे कुछ नहीं मिला, पर इसके वीडियोस बनाए ट्रेंडिंग हैशटैग का, फोटो हैक का, तो इसे वाइट टिक दिया जाएगा, क्योंकि इसके वीडियोस लोगों को पसंद आए हैं, ठीक है। आप अच्छे क्वालिटी के वीडियो बनाते हो तो टिकी टीम की नज़र आप पे रहती है, तो आपको अच्छे वीडियोस बनाते जाना है और ट्रेंडिंग हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हाई क्वालिटी वीडियोस, यहाँ पर जितने भी देखेंगे आप हाई क्वालिटी लोग वीडियोस बना रहे हैं। ये देखिए इनको कुछ नहीं था पर हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने लग गए। आप ऐसा नहीं किया भाई आपको DSLR ही होना हाई क्वालिटी, नहीं, ये कैमरे से बना सकते हैं, एंगल थोड़े पास से लीजिए और अच्छी क्वालिटी के बनाइए, रिंग लाइट का इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए मैं इतना पास भी आ गया तभी फेस थोड़ा सा क्लीन दिखाई दे रहा है, तो ये ज़रूरी है आपके इसमें। अब देखिए ये एंड्रॉयड वाले, इन्हें तो बहुत अच्छे से जानते हैं, कृष्णा आस्थाया के, जिन्हें ग्रे टिक मिला, अब थोड़ी देर बाद उन्हें ब्लू टिक भी मिल जाएगा। और अगर आपको लग रहा तो यहाँ पर मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ ना, नीचे
अरे ब्लू टिक मिल चुका है ना उनको, ठीक है इनका यहाँ पर दिखाई देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं को अलग से दिखा दूँगा आपको कितने नंबर पे है। और नीचे बहुत नीचे होंगे शायद, ठीक है अगर मैं ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर तो ये देखिए, देखिए प्रहलाद ठीक है 198 है, इन्हें वेरीफाइड अकाउंट मिल गया 83 नंबर पे इनका ये है। तो इनके वीडियोस देखिए, इनके पास आईफोन नहीं है एंड्रॉयड है, पर वीडियोस क्वालिटी देखिए और इन्हें ब्लूटिक मिल चुका है, हाई क्वालिटी वीडियोस बनाए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि भाई इंस्टाग्राम पर आपको कुछ चीज़ पोस्ट करना पड़ता है, अब यहाँ से मैं इंस्टाग्राम पर चले आता हूँ। इंस्टाग्राम पर जाने के बाद आपको क्या करना है, टिकी का नाम लेके उसे पोस्ट करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जाता हूँ यहाँ पर टिकी, ये देखिए ये है टिकी स्टोरी टिकी की, ये देखिए। अब इन्होंने भी क्या किया, टिकी का इस्तेमाल किया, टिकी ऑफिशियल ने इनको स्टोरी लगाया माहिती, उन्होंने देखा टिकी का लोगो दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट ये देखिए टिकी का लोगो दिखाई दे रहा है आपको, इधर टिकी का लोगो दिखाई दे रहा है। आपको भी ऐसे क्या करना है, पोस्ट करना है आपके इंस्टाग्राम में टिकी को मेंशन करते हुए, टिकी को पता चलेगा भाई मुझे किसी ने मेंशन कराया, तो वो आपकी वीडियोस चेक करेगा, वीडियोस चेक करेंगे आपकी क्वालिटी क्वालिटी अच्छी लगेंगे तो अपने स्टोरी पर लगाएंगा और वो आप पर नज़र रखेगा, फिर आपको ग्रेटिक ब्लू टिक मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इस तरीके से आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ग्रेटिक ब्लू टिक मिलेगा आपके, इसमें ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, आपके वीडियोस फॉर यू पर जाएंगे और फॉर यू पर जाने के बाद क्या होता है आप ही को पता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लोग उसे देखते हैं पसंद करते हैं, और अगर पसंद आ गए तो लोग क्या करते हैं आपको फॉलो करते हैं, मुझे इनके वीडियोस पसंद आएंगे मैं इनको फॉलो करूँगा क्योंकि इनके वीडियोस मुझे पसंद आ रहे हैं, इनके वीडियोस मुझे पसंद आ रहे हैं मैं इनको फॉलो करूँगा क्योंकि फॉर यू पर दिख रहे, जब मुझे वीडियोस दिखेंगे ही नहीं तो मैं फॉलो किसको करूँगा। इसके कारण फॉर यू पर आना ज़रूरी है, फॉर यू पर तब आएगा जब ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक तब आएगा जब आपके इस पर ग्रेटिक ब्लू टिक मिलेगा। उसके बाद लास्ट है, अगर आपको लग रहा है कि भाई मुझे तभी भी कुछ नहीं मिल पा रहा तो कुछ नहीं करना है, शेयर पे जाना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ड्यूएट का ऑप्शन, ठीक है आपको क्या करना है इनके साथ ड्यूएट करने का, जो भी वीडियोस है बस ऑसम फेबुलस बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग, इस तरीके से आपको क्या करना है ड्यूएट करते जाना है। अब जिसके मान के चलिए 50, 60, 70, 80, 90 ये हो गया है, ठीक है ये देखिए। अब ड्यूएट आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि स्क्रीन जो ऐसी है तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा तो उसको साइड में रख के आप ऑसम वेरी उसमें आप बड़े दिखाई देंगे, अगर आपको बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ओके ये मैं इधर करते तो कैमरा स्विच करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ बस ये मुझे लगा मैंने क्या कर दिया इसको शूट कर दिया, ये बंदा आया भाई ऑसम, बस इस तरीके से क्वालिटी उसकी रहेंगी नाम मेरा हो जाएगा। तो इससे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ से बंद कर देता हूँ, कैंसिल रीशूट बैक। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए कितने अच्छे अच्छे टैलेंटेड बंदे हमारे इसमें कितने अच्छे वीडियोस बनाए हैं। अब आपको समझ में आ रहा है एक गिलास के ऊपर रखे इतना बड़ा सिलेंडर उठा लिए, ये देखो ये लोग भी आ गए, सभी लोग आ रहे हैं टिकी पर क्योंकि पैसा बहुत है, और मैंने आपको पहले बता दिया देखिए स्टार सबके कम हो गए हैं क्योंकि रिजल्ट आ गया है, एक हो गया ना दिस मंथ, अक्टूबर की लिस्ट अब लगने वाली है। तो चलिए डायरेक्टली मैं इसे बंद कर देता हूँ, अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बनाए, कुछ प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो। हाँ वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर होते फ्रेंड और सब्सक्राइब माई चैनल एज़ाज़ इंजीनियर, ऐसे वीडियोस में आपके लिए बनाते रहता हूँ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।